नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि मानदेय को लेकर कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन की जा रही है, तो उसको लेकर एक नई अपडेट आप लोगों को यहाँ पर दिखलाने जा रहा हूँ। 9/11/2023 की ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 8 घंटे अफरा तफरी, लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन से भीषण जाम, पटना जंक्शन के यात्री पैदल जाने पर मजबूर। देख सकते हैं डाक बंगला चौराहा पर दिन भर रहा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का कब्जा, लाठीचार्ज। देखिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनको कई बार लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा है, कई सेविका बहनें घायल भी हुई हैं, कई को चोट भी गंभीर लगी है। इस प्रकार से ये तमाम तरह के नतीजे आप लोग देख पा रहे हैं। तो सेविका सहायिका बहनें अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाह रही है, लेकिन इनकी आवाज़ों को कोई भी नहीं सुन रहा है, लगातार प्रदर्शन करते आ रही हैं। देखिए चलिए इसके बारे में क्या खबर निकल के आई है, चलिए मैं आपको आज के इस न्यूज़ के माध्यम से बतलाने जा रहा हूं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत अन्य मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी हज़ारों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने डाक बंगला चौराहे को जाम किया। सुबह 9 बजे से ही गर्दनीबाग धरनास्थल से रवाना हुई और धीरे धीरे पहुंचने के बाद डाक बंगला चौराहा और पटना जंक्शन जाने वाली रोड को अपने कब्जे में कर लिया। वहां पहले से ही भारी तादाद में पुलिस तैनात थी, बार बार कहने के बाद भी हटने को तैयार नहीं थी। इस बीच महिला पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक के साथ धक्का मुक्की भी हुई। देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी है और सेविका बहन है उनके साथ नोकझोंक हो रही है और धक्का मुक्की भी हो रही है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, 3-4 प्रदर्शन कर्मियों को जबरन उठाने की कोशिश की, लेकिन हालात जब बेकाबू हो गए तो लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लाठीचार्ज होने से अफरा तफरी मच गई। करीब 8 घंटे तक डाक बंगला चौराहा इनके कब्जे में रहा। शाम 5 बजे सबों को वहाँ से हटाया गया। इस दौरान 4-5 महिला जवान भी चोटिल हो गई। उधर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि लाठीचार्ज में संघ की उपाध्यक्ष शांति देवी समेत अन्य 3 महिलाएं भी घायल हो गई हैं। तो देख सकते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो महासचिव है कुमार बिंदेश्वर सिंह, बताया कि लाठीचार्ज में जो उपाध्यक्ष है शांति देवी, उनको भी चोट लगी है, जबकि 10-12 को हल्की चोट लगी है। वहीं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना ने कहा कि 1 माह से अधिक समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, सरकार हम लोगों की कोई मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। और देखिए इतना कुछ हो जाने के बाद जब वहाँ पे एसपी साहब पहुँचे हैं तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। देखिए लिखा गया है, एसपी राजीव मिश्र भी डाक बंगला चौराहा पहुँचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की प्रतिनिधियों को कहा कि यह मेन चौराहा है, जाम से लोगों को दिक्कत हो रही है, यहाँ से गर्दनीबाग धरना स्थल पर चली जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। एसपी के समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुई। एसपी ने कहा लाठीचार्ज नहीं हुआ है, तो बिना लाठीचार्ज के ये सभी सेविका बहन घायल कैसे हो गई, ये आप ही लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन करते आ रही हैं और आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार है वो आप लोगों की बातों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, इसी प्रकार से आप लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।